अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ओडब्ल्यू मोटर्स। आज आपके लिए जो है वो सुपरस्टार 200 के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। काफ़ी कस्टमर जो थे वो चाह रहे थे कि हमें बाइक जो है वो डिलीवरी जो है वो बुकिंग के ऊपर ना करवानी पड़े, हमें फौरी जो है वो बाइक मिल जाए। तो हमने जो है वो आपके लिए कुछ यूनिट्स लेकर आए हैं जो आपको इमीडिएट जो है वो डिलीवरी के ऊपर मिल सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप चाह रहे थे कि हमें फौरी डिलीवरी चाहिए, तो हमने कहा आपके लिए फौरी डिलीवरी का इंतज़ाम कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सुपरस्टार 200 सीसी, जैसा कि आप अपने सामने भी देख रहे हैं, ये काफ़ी कस्टमर ने इसको बुक करवाया था और बुक करवाने के बाद जो है वो उनको डिलीवरी भी दे चुके हैं और कुछ कस्टमर ने जो है वो दोबारा जो है वो बुकिंग स्टार्ट कर दी हुई है। तो उनको इंशाल्लाह जो उनकी डिलीवरी है वो तकरीबन मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्ट, इंशाल्लाह उनको उनकी डिलीवरी दे दी जाएगी। लेकिन कुछ कस्टमर जो थे वैसे थे, कह रहे थे इमीडिएट डिलीवरी के बारे में हमें बताएं। तो उनके लिए आज हम ये एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेकर आए हैं, साथ में हम आपको इस बाइक के बारे में भी बताएंगे और साथ में हम आपको इसकी डिलीवरी के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके 360 वॉक अराउंड की तरफ और उसके बाद बात करते हैं इसके डिटेल रिव्यू के बारे में। जैसा कि आपने इसका 360 वॉक अराउंड देखा, उम्मीद है आपको इसका 360 वॉक अराउंड पसंद आया होगा। तो शॉर्ट सा इसका रिव्यू करते हैं और आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं इसकी प्राइस के और साउंड की तरफ। ये 200 सीसी सुपरस्टार जो कि न्यू मॉडल आया है सुपरस्टार की तरफ से और काफ़ी कस्टमर ने इसको पसंद किया है, जो कि आप डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली कम्यूट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टूर पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपका सबसे बड़ी जो इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको मैं आपको अगर थोड़ा सा बैठ के दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आप इसके ऊपर बैठे तो आपको जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर बिल्कुल नेकेड स्टाइल की चीज़ मिल गई, यानी कि आपकी जो सीट बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट, आपके आर्म बिल्कुल स्ट्रेट और आपको जितना कि आप नॉर्मल अपनी रूटीन की बाइक जो चलाते हैं उतना की बाइक भी आपको मिल गई और सारी स्पोर्ट्स कैटेगरी की चीज़ भी आपको साथ मिलती है। तो 200 सीसी सिंगल सिलेंडर के साथ बाइक है और फ्रंट की अगर बात करें टायर की, तो सिंगल लाके अगर बताएं तो इसमें ट्यूबलेस टायर आता है 110/17/17 का, इसके अंदर फ्रंट टायर के अंदर इंस्टॉल किया गया है और ट्यूब लाइनिंग्स के साथ आते हैं। सिंगल डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ इसकी डिस्क है, थोड़ा सा इधर अगर आपको लाके दिखाएं तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल की गई है और सिंगल पिस्टन कैलिपर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद अप साइड डाउन शॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें मरवाड यूज़ किया गया प्लास्टिक मैट फिनिशिंग के साथ। उसके बाद अगर ऊपर लाइट की तरफ आते हैं तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की विजिबिलिटी लाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। उसके बाद इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इस तरह के आप ये देख सकते हैं बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स हैं। ऊपर की तरफ आपको लेकर आते हैं तो इसके अंदर TFT डिस्प्ले इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, इसका LCD मीटर भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको स्पीड की, फ्यूल की, गियर शिफ्टिंग की, माइलेज की और सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको इसके अंदर दी जाती हैं। उसके बाद अगर इसकी असेंबली की बात कर लें तो ये केल स्विच इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपको ये आपको लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है। इसमें बात कर लें तो इसके अंदर आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी का TFT डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर आपको सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको साइड पे लेकर आएँ तो यहाँ पर आपको केल स्विच मिल जाता है, उसके अलावा आपको यहाँ पर ये लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती हैं, साथ में ये इसके अंदर आपको सेल्स की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर आते हैं तो हाई बीम लो बीम है, ये चौक की ऑप्शन इसके अंदर मिल जाती है, ये इंडिकेटर्स की ऑप्शन है, हॉर्न की ऑप्शन है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो इसका तकरीबन 12 से 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। ऊपर जो इसके कवर चला है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है जो एक्चुअल फ्यूल जो फ्यूल टैंक कहते हैं वो इसका नॉर्मल जो मटीरियल जो बनता है मेटल में उसी में इसका होता है। इंजन की बात कर लें तो 200 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल इसका इंजन होता है और अगर इसकी बात कर लें कि ये कितनी हॉर्स पावर जनरेट करता है तो ये अराउंड तकरीबन 18 हॉर्स पावर ये बाइक जनरेट करता है। और इसकी टॉप स्पीड की अगर बात कर लें तो इसकी जो टॉप स्पीड रफ्ती जो है वो 110 से 120 के अराउंड वर्ड इसकी टॉप स्पीड आती है। उसके बाद अगर बात कर लें इसकी सीट्स के बारे में तो बड़ी अच्छी इसकी जो है सॉफ्ट सीट इसके अंदर अवेलेबल है, आप पैसेंजर साइड भी बैठ सकते हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर है वो यहाँ पर इस साइड पर बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी सीट्स इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद अगर बात करें बैक डिस्क की तो इसके अंदर बैक डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल की गई है जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। बैक टायर की अगर बात करें तो 140/17/17 का इसके अंदर बैक टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। पॉकेट चेन की अगर साइड से अगर आपको ला के दिखाया जाए तो बड़ी खूबसूरत इसके अंदर पॉकेट चेन इसके अंदर इंस्टॉल की गई है जो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद आगे इसकी तरफ आती है तो गियर्स की अगर बात करें तो 5-speed डिटेन शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स आता है। इस बाइक के अंदर ये थोड़ा सा है कि अगर इस बाइक की जितनी अच्छी क्वालिटी की था इसका इंजन और सारी चीज़ें अगर इसमें 6 गियर्स अगर हो जाती
तो उसमें होना ये था कि कस्टमर को हाई आरपीएम या हाई स्पीड पे जब जाता है 100 प्लस तो उसको ज़रा मज़ा उसने ज़रा समझने सोने में सुहागा हो जाना था अगर 30 गियर स्पीड इसके साथ अंदर आ जाती है। खैर इसमें 5 स्पीड भी जो होता है वो भी इनफ है। उसके अलावा अगर बात करें इस बाइक की ओवरऑल इसकी क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग की, तो आउट क्लास कंडीशन की बाइक है, फिनिशिंग क्वालिटी सबसे अच्छी है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक जो है वो बहुत कम मिलती है। तो ये सुपरस्टार कंपनी ने ये जो है इनिशिएट किया है, उन्होंने ये बाइक को जो है वो इस पाकिस्तान में इम्पोर्ट की है और उन्हीं के जो है अंडर पैकिंग की ये बाइक जो है वो सेल की जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी साउंड की, तो आपको चलते हैं इसके साउंड की तरफ देखते हैं। साउंड आपने देखा है, साउंड इसका बिल्कुल आइडियल है। अगर किसी कस्टमर इसको जो है इम्प्रूव करना चाहता है तो आफ्टर मार्केट जो होता है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं मफलर को। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसकी बुकिंग प्राइस जो इस बाइक की चल रही है वो 6 लाख इसकी बुकिंग प्राइस है, जिसमें से 3 लाख आपको एडवांस पे करना है और 3 लाख आपको जो होता है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको पे करना है। और डिलीवरी टाइम जो होता है वो इसका 3 मंथ है, लेकिन ये तो उनके लिए होगा जिन्होंने बुकिंग करवानी है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमेशा चाह रहे होते हैं कि बिफोर इनिशिएट जो होता है वो डिलीवरी मिल जाए, तो उनके लिए बाइक जो है वो यूनिट कुछ लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। उसकी प्राइस जो है 6,50,000 है, 6,50,000। इसके साथ आपको कंप्लीमेंट्री के तौर पर एक हेलमेट और साथ ग्लव्स भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं जो कस्टमर जो है वो ऑन द स्पॉट को परचेज करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो बाइक का जो कलर ऑप्शन जो अवेलेबल है, जो कस्टमर इंटरेस्टेड हो वो फोन करके या व्हाट्सएप पे हमारा 0322-0333-99 फोन नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके वो मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर रेट की बात करें तो मेन स्पीकर और टाउनशिप लॉ में हमारा शोरूम बेस करता है, जहाँ पर फिजिकली आपके इस बाइक को देख भी सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मजीद आप इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।